नमस्कार, चौंकिएगा नहीं, मैं कोई नाले में नहीं खड़ा हूं, बल्कि दिल्ली के व्यस्ततम चौराहे और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे आईटीओ पर खड़ा हूं। आज यमुना दिल्ली का दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। जिस नदी से दिल्ली के लोग बेखबर थे, आज वही यमुना उनका खबर ले रही है। बस इतना याद रखिएगा, यमुना में बाढ़ नहीं आई है। आपने यमुना की जमी पर घर बना लिया था, बस उस घर में यमुना आ गई है। कई साल से दुबली पतली ये नदी अपने विस्तार को प्राप्त कर चुकी है। दिल्ली के लोगों ने इन तस्वीरों को जज्ब करने का असीमित धैर्य बना लिया है। हर साल की तरह बस कुछ दिनों की बात है, यमुना को जल्द ही हम भूल जाएंगे और इस पानी को भी। दिल्ली में 1978 में ऐसा ही बाढ़ आया था, लेकिन 23 तक हम यमुना को भूलते रहे। 45 साल के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा गया है। वैसे यमुना केवल दिल्ली में ही नहीं बहती, पंजाब और हरियाणा में भी बहती है, लेकिन दिल्ली को मीडिया कवरेज के लिए असीमित स्थान प्राप्त होता है। यह उसका सौभाग्य है। दिल्ली केवल नई दिल्ली नहीं, बल्कि ऐसी दिल्ली है जो आज हाईवे के किनारे देखने को मिल रही है। बस हम धोखा खा जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो है नदी के पाट पर अपना निर्माण कर लें, अतिक्रमण कर लें, घर बना लें, लेकिन हजारों साल से यमुना ने अपना रास्ता बनाया है। वो उसी रास्ते पर चल गई तो हम कहते हैं कि बाढ़ आ गया है। हम चंद दशकों में निर्माण खड़ा कर देते हैं, उसकी हजारों साल की तपस्या को भंग कर देते हैं। नाराज यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है आईटीओ के इस व्यस्ततम चौराहे पर। ये जाम का दृश्य देखिए, लगता है कि दिल्ली के लोगों ने इस जाम से निपटने का असीमित धैर्य जज्ब कर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ का दृश्य ये बताता है, एबीपी न्यूज की ये चाहत है कि 23 में जो देखने को मिला वो 24 में देखने को न मिले। दिल्ली के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चौराहे आईटीओ से मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे।